उस दिन जो कोई पिक्चर देखने आया उनसे कहा गया कि पहले 10 मिनट में एक पुरस्कार विजय फिल्म प्रसारित किया जाएगा। जो कोई वहां आए वो उस 10 मिनट की लघु फिल्म को देखने के लिए काफी उत्तेजित थे। पिक्चर शुरू हुई। पिक्चर की शुरुआत से ही कैमरे को एक कमरे की छत की ओर केंद्रित किया हुआ था। एक मिनट से दो हुआ, दो से तीन मिनट गुजरा, लेकिन शॉट में अब तक वही छत दिख रहा था। वहां प्रस्तुत लोग अब चिढ़ने लगे और बड़बड़ाने लगे। किसी ने कहा, भला ऐसी फिल्म को किसने पुरस्कार दिया? और किसी ने कहा, काश हम आज पिक्चर देखने आए ही ना होते। पूरे 9 मिनट तक यही हाल रहा। फिर एकदम से कैमरा का फोकस उस छत से हटकर उस कमरे की फर्श पर पड़ा और धीरे से एक बिस्तर तक बढ़ा, जहां एक दुर्बल अवस्था में पड़े एक अपाहिज व्यक्ति को दिखाया गया। फिर से कैमरा का फोकस उस व्यक्ति से हटकर छत पर पड़ा। फिल्म खत्म हुई और उसके बाद एक मुख्य संदेश स्क्रीन पर दिखा। संदेश कुछ इस प्रकार, आप सभी लोगों ने आज एक अपाहिज की आंखों से उसके दिन के 24 घंटे का दृश्य केवल 9.5 मिनट में देखा और हमें पूरा यकीन है कि यह 9.5 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे धीमा और चिड़चिड़ा समय रहा होगा। और इस संदेश के साथ पिक्चर खत्म हुई। प्रिय दोस्तों, अगर आज आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, आपके पास 3 वक्त की रोटी है और अपना सर ढकने के लिए एक घर, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली और समृद्ध और कोई भी नहीं। बाइबल में भी कहा गया है कि क्योंकि हम संसार में ना तो कुछ लेकर आए थे और ना यहाँ से कुछ लेकर जा पाएंगे, सो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसी में संतुष्ट हैं। आइए अपने जीवन और उससे जुड़ी हुई सभी सुविधाओं के लिए प्रभु परमेश्वर से अपना आभार व्यक्त करते हैं।